तो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे फाइनली पहुंच ही चुके हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने के बाद। अगर आप मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो कितना सुंदर है, कैसा है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। और एक और बात, जिस टाइम ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस टाइम तक का जो कैमरा है वो पूरा मंदिर परिसर तक का अलाउ हो जाएगा। और सामने आप दर्शन कीजिए माँ गंगा का, गंगा जी जो कि अभी अपने विकराल रूप में चल रही है। और अगर आप आते हैं जनवरी के बाद तो पानी उतना आपको यहाँ दिखेगा नहीं, और साथ ही साथ मंदिर आप पानी बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा दिखेगा। तो ये यहाँ से शुरू होता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। बहुत अच्छा बन गया है। और देखने में बहुत ही सुंदर है। मैं गया था, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। जिस टाइम पे पानी कम रहता है इधर से एंट्री करते हैं क्या? पानी कम रहता है मतलब कि गंगा जी पुलिस वाले भाई से मेरा कुछ कम होता है बातचीत था, तो इधर से आते हैं क्या? इधर जो कि ये वाला रूट आप देख सकते हैं, यहाँ से उधर से आते, कोई रास्ता आना अलाउ होता है आई। अच्छा, मतलब कि जैसे घाटी घाटा जैसे आप आएंगे वैसे मतलब तो सारा घाट आपस में जुड़ा हुआ है। घाट घाट करके इधर से आ सकते हैं, तो आप घाट घाट आते हैं तो फिर आप यहां से भी एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट। वैसे तो चार गेट है जहां से आप मंदिर के अंदर आ सकते हैं, बट आपको सिर्फ दो से तीन गेट में ही अंदर आने का परमिशन होता है। गेट है वहां पर पुलिस बंदोबस्त होता है, वैसे तो पुलिस बंदोबस्त सभी गेट पे होता है पर कुछ ही गेट है जहाँ से आप मंदिर परिसर के अंदर आ सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताया कि कैमरा जो है, चलो तो दोस्तों एक टाइम पे कैमरा अलाउ हो जाएगा मंदिर के अंदर तक, सॉरी जिस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम तक तो शायद कैमरा अलाउ हो ही गया होगा, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर तक कैमरा ले जा सकते हैं। क्या है जो शिवलिंग है वहाँ का, वहाँ आप नहीं ले जा सकते कैमरा, बट जो मंदिर के अंदर है वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। और जो लोग काशी के बारे में, जिनको पता होगा काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, वहाँ तो आपको पता होगा कि कुछ विवाद चल रहा है जो कि मस्जिद और मंदिर भी लगा हुआ है आमने ही सामने है और एक सीढ़ी अगल बगल में ही है। देखो तो हम सीढ़ी से चलते हैं। ठीक है इधर से इधर भी देखो, यहाँ पर बहुत सारे भवन बने हैं अगल बगल के, उधर सोमनाथ भवन और इधर पे बना है विश्राम गृह। अरे यहाँ बहुत सुंदर भारत माता का मूर्ति लगा हुआ है, ये देखिए। जय हो माता। हाँ मंदिर, क्या चीज का मंदिर है, मान घातेश्वर महादेव मंदिर, हर हर महादेव। वैसे तो ज़्यादातर लोग गेट नंबर 4 से ही दर्शन करने के लिए जाते हैं, बट इधर से भी कुछ लोग जाते हैं भाई। और उधर से ज़्यादातर लोग इसलिए दर्शन करने जाते हैं क्योंकि वो जो है वो पास ही पड़ता है, जैसे आप ऑटो वगैरह से जाते हैं या टैक्सी वगैरह से जाते हैं, आपको 1 किलोमीटर पहले मंदिर के पास उतारा जाता है। तो आपके लिए गेट नंबर 4 ही रहेगा जो कि शॉर्टकट होगा मंदिर दर्शन के लिए। और यहाँ तक आने, इस गेट पे आने के लिए, मतलब ये गेट नंबर 2 है, इस गेट पर आने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा, इस वजह से इधर पे आपको भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादातर जो लोग हैं वो गेट नंबर 4 से ही दर्शन करते हैं।
और सामने आप देखिए पुलिस का जो है बंदोबस्त है, सुरक्षा के लिए तैनात है। मंदिर का जो यहाँ यहीं तक है जो है कैमरे लगे हैं। हर हर महादेव। अंदर तो जा नहीं सकते कैमरा लेके, बाहर से ही दर्शन कर लो, आपको दिख रहा होगा। तो भाई इससे ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं है। अरे कुछ मालूम बहुत ही अच्छा बन चुका है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि आप देखें। और मैं भी थक गया यार, थोड़ा आराम कर लेता हूँ यहाँ, तब तक आप कुछ टाइम लैप्स देखो। अगले वीडियो में मैं आपको दशाश्वमेध घाट दिखाऊंगा। तो आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।